यूपी बोर्ड बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत। भाई यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में किया गया है बदलाव। उस बदलाव को क्या है, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे अब पढ़ेंगे 50 महापुरुषों की महान गाथा। बहुत जरूरी है ये बदलाव, नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में किया गया है। और सबसे खास बात कि इसमें पास होना जरूरी है, अगर इसमें फेल तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो इसलिए 50 महान, जैसे आप कक्षा 6 से 8 तक महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ते हैं, वैसे कक्षा 9 से और 12 तक बहुत अच्छा बदलाव है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, इसलिए हमारे बच्चों में नैतिकता की बहुत कमी आ रही है। महापुरुषों को पढ़ेंगे, जानेंगे वो कैसे महान बने, कैसे महान व्यक्तित्व बने, तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे और ऐसा बनने की कोशिश करेंगे। तो आइए इन 50 महापुरुषों की महान गाथा के बारे में, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में शामिल महापुरुष कौन कौन से हैं, तो भगवान बिरसा मुंडा, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी, बेगम हजरत महल, विनायक दामोदर सावरकर, विनोबा भावे, चंद्रशेखर आजाद, वीर कुंवर सिंह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, श्री निवास रामानुजन और जगदीश चंद्र बोस जी। ये भाई कक्षा 9 के विद्यार्थी इनको पढ़ेंगे। ये सारी किताबें आपकी जुलाई में आ जाएंगी। 10वीं की कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल महापुरुष कौन कौन से जान लीजिए, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मंगल पांडे, लोकमान्य तिलक, ठाकुर रोशन सिंह, सुखदेव, खुदीराम बोस। और कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में शामिल महापुरुष कौन कौन से हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महावीर जैन, महामना मदन मोहन मालवीय, अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, सरोजनी नायडू, नाना साहब देशमुख, शहीद आजम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, महर्षि पतंजलि, शल्य चिकित्सक सुश्रुत और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और 12वीं के बच्चे क्या पढ़ेंगे, तो 12वीं क्लास के बच्चे पढ़ेंगे, इनमें जो महापुरुष शामिल हैं, आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजगुरु, रविंद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, बंकिम चंद चटर्जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रामानुजाचार्य, पाणिनि, आर्यभट्ट और सीवी रमन। बहुत, यही इतने कुल 50 महापुरुषों की महान गाथा 9 से 12 के विद्यार्थी पढ़ेंगे, जिसमें पास होना बहुत ही जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए जो जुलाई में स्कूल खुलने ही वाला है, तो आप इसकी पढ़ाई करिए और अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करिए। इनके सबके बारे में जानिए, यही हमारे देश के रत्न हैं। इनके जैसा आप बनने की कोशिश करिए, यही सरकार का उद्देश्य है और यही हमारे बुक में जो बदलाव किया गया है, यही इसका उद्देश्य है कि बच्चे इनके कदमों पर चलें, इनके जैसा बनने की कोशिश करें। और अगर ये कदम सफल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और सरकार की मंशा भी एकदम साफ है कि बच्चे महान बने, महान कार्य करें। और इसी के साथ आरके सिंपल क्लासेस अपनी इस क्लास को यहीं पर एंड करता है। और अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।